टिल नाउ अप्रोक्सीमेटली 80 प्लस एमसीक्यूज वी हैव सॉल्व, ठीक है, 80 प्लस या 60 प्लस एमसीक्यूज जो है वो अभी तक हमारे जो है वो खत्म हो चुके हैं रिलेटेड टू पॉलिटी सेक्शन। अब हम यहां पर जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो गिव मी अ मोमेंट। ये सभी क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लिए थे। डिलिमिटेशन भी हमने सब देख लिया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ये आपको जो पीडीएफ है ये आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर जल्दी मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी अंडर द 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो 1992 का जो एक्ट है, देखिए 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट से हमारे यहां पर क्या बना था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं और म्युनिसिपैलिटीज का गठन हुआ था, ठीक है। अब उसी के रिगार्डिंग आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। म्युनिसिपैलिटी 74th अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू म्युनिसिपैलिटी, 73rd अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो यहां पर पहले ऑप्शन है कि ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड करता है 5 ईयर टर्म ऑफ ऑफिस फॉर एवरी म्युनिसिपैलिटी। जितने भी म्युनिसिपैलिटी है उन सभी म्युनिसिपैलिटी के लिए 74th अमेंडमेंट एक्ट ने यहां पर टर्म प्रोवाइड किया हुआ है। सेकंड, म्युनिसिपैलिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अपॉन द डिसोल्यूशन शाल कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमेंडर ऑफ द पीरियड। मतलब अगर कोई म्युनिसिपैलिटी यहां पर डिसॉल्व हो जाती है और उसको दोबारा गठित किया जाता है तो वो रिमेनिंग पीरियड के लिए बनाया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट दैट यू हैव टू आंसर। वेरी गुड अल्पना, वेरी गुड वाणी, वेरी गुड कल्पना, हाय ज्योति, हाय विश्वदीप, मानसी, देखिए आपका जो एग्जाम है ना वो 5th of June को है, ठीक है, मतलब गर्मियों का बिल्कुल टॉप पीक रहता है। अभी से ना लाइब्रेरी में जाके एसी में बैठो, खूब बैठना, सुबह से शाम तक बैठो, बट अपनी आदत को यहाँ पर सुधार लेना एंड में आते आते। और ये भी याद रखना कि रात में जब हम सोते हैं तो वो सोने का समय आप लोग ठीक कर लेना, रात में 11 बजे अभी नहीं, आने वाले समय में सोना शुरू कर देना जल्दी, जिससे कि आपकी नींद खुले। अदरवाइज लोग क्या करते हैं कि 2-3 बजे तक रात में पढ़ते हैं और जब पढ़ते हैं तो फिर वो सुबह 9-10 बजे उठते हैं और प्री का एग्ज़ाम जो है वो सुबह 9:30 बजे शुरू होता है। अब सुबह 9:30 बजे अगर एग्ज़ाम शुरू होगा, 9-10 बजे अभी सोने की आदत रखोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, आप लोगों को होगा। तो बेटर क्या है कि आप अभी से अपनी आदतों को थोड़ा थोड़ा सा सुधारने लगना। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो अभी समझ में नहीं आएगा, मगर जब नहीं होता है ना पेपर में सिलेक्शन तो तब समझ में आता है कि यार ये आदत सुधार ली होती ना तो मेरी टाइम पर नींद खुल गई होती। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन पूछा है कि 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जो म्युनिसिपैलिटी है उसका ड्यूरेशन क्या है। तो 5 ईयर टर्म ऑफ ऑफिस फॉर एवरी म्युनिसिपैलिटी, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और अगर किसी को म्युनिसिपैलिटी का चुनाव लड़ना है तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर्स जो है वो होना चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और म्युनिसिपैलिटी के लिए। सेकंड है कि म्युनिसिपैलिटी कॉन्स्टिट्यूट अपॉन द डिसोल्यूशन शाल कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू हियर। तो यहां पर आंसर क्या रहेगा, यहां आंसर रहेगा सी, ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर हियर। सो बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द 5 ईयर, एक तो क्या है क्राइटेरिया कि मान के चलिए कि 2.5 साल में डिसॉल्व हो गई तो रिमेनिंग 2.5 साल का उसको टेन्योर मिलेगा, मगर 5 साल के 6 महीने पहले अगर डिसॉल्व हो गई तो फिर वो डिसॉल्व ही मानी जाएगी, फिर उसको क्या है दोबारा गठित करने की अनुमति नहीं मिलती है। सो ए म्युनिसिपैलिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ इट्स ड्यूरेशन शाल कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड फॉर विच डिसॉल्व्ड म्युनिसिपैलिटी वुड हैव कंटिन्यूड had it not dissolved. In other words, municipality reconstituted after premature dissolution does not enjoy full period of 5 year but remains in office only for the remainder of the period. और अगर 6 महीने पहले dissolve होती है, we can say tenure खत्म होने के पहले, तो फिर वो क्या है गठित नहीं मानी जाएगी, ठीक है। चलिए next question पर आते हैं। हमारे यहाँ library नहीं है, वहाँ girls allowed ही नहीं है। बिल्कुल सानिया, बहुत अच्छी बात है। सी लाइब्रेरी, देखो बच्चे क्या करते हैं ना कि लाइब्रेरी ढूंढते हैं और उनको लगता है, मैं मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करता हूँ, हमें लगता है कि हम 10 लोगों के साथ बैठेंगे और 10 लोगों के साथ बैठ के हमारी तैयारी अच्छी होगी,
वो होती है, ठीक है मान लिया, मगर वो 10 में से ना अगर एक भी डिस्ट्रैक्टेड आइटम निकला ना, तो वो डिस्ट्रैक्टेड आइटम पूरी माहौल की जो है वो बैंड बजा देता है। आपके यहाँ नहीं है कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ बस थोड़ा सा ना अपना टाइम वैसे मैनेज करो, दुनिया को देख के अपने टाइम को जो है वो मैनेज नहीं करना, क्योंकि दुनिया के यहाँ पे हर जगह पे परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। कोई गांव में रहता है, कोई शहर में रहता है, और आज आप लोगों को जो है ऐसे प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं ऑनलाइन, तो उसमें आप लोगों को गांव और शहर अब नहीं बचा, अब केवल बचा हुआ है तो वो है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है और आपकी स्ट्रेटेजी कैसी है। सबको पता है कि पॉलिटी आना है, सबके पास पॉलिटी के क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, है ना, बट क्वेश्चन को करने का प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसके पास होगा वो उतने अच्छे से जो है प्री मेंस और इंटरव्यू निकाल सकता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट योर स्ट्रेटेजी एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर ये दोनों चीज़ें ठीक रही तो आप आराम से जो है प्री मेंस इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब जो पार्लियामेंट है उसके जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है, देखो हम सभी को पता है कि पार्लियामेंट के पास वी कैन से जुडिशियल पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, फाइनेंशियल पावर है ना, तो पार्लियामेंट के पास कई सारे पावर होते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से रेस्ट्रिक्शंस हैं टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। तो पहला ऑप्शन है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट कैन अमेंड द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट फॉर गुड गवर्नेंस इन लद्दाख, ऑप्शन में लिखा है। अब देखो यहां से क्या है लॉजिक अप्लाई करना है, क्या प्रेसिडेंट अमेंड कर सकता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट फॉर गुड गवर्नेंस इन लद्दाख। दूसरा ऑप्शन, प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू ए शेड्यूल्ड एरिया। थर्ड ऑप्शन इज गवर्नर ऑफ ए आसाम कैन डायरेक्ट द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट एप्लीकेबल ऑफ ए ट्राइबल एरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट दैट यू हैव टू आंसर। यस, ट्राइबल के लिए स्पेशल प्रोविजन है। वेरी गुड विश्वजीत, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैन अमेंड द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट कैन अमेंड द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट फॉर गुड गवर्नेंस इन लद्दाख, प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू ए शेड्यूल्ड एरिया, गवर्नर ऑफ आसाम कैन डायरेक्ट द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू ए ट्राइबल एरिया। वानी, वेरी गुड। देखो इसमें जो है गवर्नर ऑफ ए आसाम, यस गवर्नर ऑफ ए आसाम यानी कि MMTA, है ना, ये चार स्टेट के जो गवर्नर हैं वो यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो भी पार्लियामेंट का एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा उस ट्राइबल एरिया में। तो ये स्टेटमेंट तो पहले नंबर क्या हो गया आपका, ये सही हो गया। तो ये रेस्ट्रिक्शंस हैं टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ए पार्लियामेंट के अंदर। सेकेंड वन, पार्लियामेंट या फिर प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू ए शेड्यूल एरिया, नहीं प्रेसिडेंट का यहां पर कोई रोल नहीं आता है, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट होगा ना अपना वो सेकेंड स्टेटमेंट यहां पर अपन गलत करेंगे। तो एक्चुअली में आप अगर एक स्टेटमेंट को ही ध्यान देंगे तो आप यहां से जो है वो आंसर को निकाल सकते हैं। यस इट इज सिक्स्थ शेड्यूल। सिक्स्थ शेड्यूल में क्या है, MMTA, ओके मेक माई ट्रिप आसाम, ऐसे याद रख लेना मेक माई ट्रिप आसाम से आप लोग जो है यहां पर याद रख सकते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ए पार्लियामेंट एंड द स्टेट। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया, बट इसमें क्या है कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि फॉर द पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ 5 यूनियन टेरिटरी प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशन, क्योंकि यूनियन टेरिटरी का हेड कौन है, वो है हमारा प्रेसिडेंट। जैसे स्टेट का हेड जो है वो होता है गवर्नर। अब लद्दाख क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, तो इसलिए प्रेसिडेंट जो है यहां पर अमेंड कर सकते हैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट फॉर द गुड गवर्नेंस इन लद्दाख। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, इसीलिए यहां पर जो है वो सही माना जाएगा। ए रेगुलेशन सो मेड हैज द सेम फोर्स एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इट मे ऑल्सो रिपील और अमेंड एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन रिलेशन टू दिस यूनियन टेरिटरी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर सही होता है, गवर्नर ऑफ आसाम
मे डायरेक्ट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू ए ट्राइबल एरिया या फिर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एरिया भी उसको हम बोलते हैं। इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो मेघालय, मेघालय के साथ मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम। मेघा, मिजो, तिरु, आसाम। तो मेक माई ट्रिप आसाम, यहाँ पर चार स्टेट्स हैं जो कि सिक्स शेड्यूल के अंदर हैं। वहाँ पर गवर्नर जो है वो डायरेक्ट कर सकता है कि ये पर्टिकुलर एक्ट मेरे एरिया में आप अप्लाई नहीं करोगे, मेरे एरिया मतलब शेड्यूल्ड एरिया में जो है आप अप्लाई नहीं करोगे। गेटिंग दिस पॉइंट एवरी वन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। और सभी लोग, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। सी 12 बजे आपका स्पेशल क्लास है, दैट विल बी ऑन इकोनॉमी, ओके। देन 4 o'clock अगेन यू विल हैव ए स्पेशल क्लास, वहाँ पर भी हम इकोनॉमी के MCQs को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और एक और बात समझा दूँ, दिस क्लास इज नॉट फॉर कॉम्पिटिशन। जितने भी लोग ये वीडियो देखते हैं, लगभग 1000 से 2000 बच्चे जो है हर दिन इन वीडियोस को देखते हैं, उन सभी बच्चों से कहूँगा कि ये कॉम्पिटिशन के लिए नहीं है, ये लर्निंग के लिए है। आप लोग इन क्लासेस को लर्निंग के तौर पर लो, ना कि कॉम्पिटिशन के तौर पर। कॉम्पिटिशन करने के लिए आप लोग फोटोकॉपी करवाइए पेपर के, इतने सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, और वो पेपर को लगाना। यहाँ पर आप इन क्वेश्चन को लर्न करो कि यार शेड्यूल्ड सिक्स जो है उसमें हमारे MMTA हैं, तो उनको रट लो कि मेघालय भी है, त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है और आसाम भी है। और वहाँ के गवर्नर को ज़्यादा पावर है, प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं होता है। बट जब हम यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर होगा, और प्रेसिडेंट के पास इतना पावर होता है कि वो अमेंड कर सकता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टेरिटरी। इन द सेम वे अब यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ ए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। इनमें से कौन सा सोर्स नहीं है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ग्रांट फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, डिवोल्यूशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए स्टेट फाइनेंस कमीशन, रेवेन्यू अर्न बाय सेलिंग मेजर मिनरल विच आर डायरेक्टली ओन बाय ग्राम सभा, इंटरनल रिसोर्स जनरेशन इंक्लूड्स टैक्सेशन एंड नॉन टैक्सेशन प्रोविजंस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट दैट यू हैव टू आंसर। सर सी सेट्स क्वालिफाई करने के लिए कितने क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए? 27 से 28 क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, इंग्लिश पे डिपेंडेंट नहीं रहना सी सेट के लिए, कितने भी अच्छी इंग्लिश हो बट इंग्लिश के लिए कभी भी डिपेंडेंट मत होना सी सेट में, बहुत लोग बर्बाद हुए हैं। आपको मैथ आनी ही चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है। आप ये देखिए 80 क्वेश्चन है, ठीक है, 80 क्वेश्चन में से 28 क्वेश्चन सही करने हैं, लगभग 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है, आधा पेपर अटेम्प्ट करके आना है। अब आधा पेपर अटेम्प्ट करना है तो सारे 40 के 40 कॉम्प्रहेंसिव आप सॉल्व नहीं कर सकते। कॉम्प्रहेंशन आप 25 सॉल्व करिए, 15 आप मैथ के सॉल्व करिए, तब मैथ मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट कॉम्प्रहेंशन और पैसेज, तब जाके जो है वो सी सेट में हेल्प मिलेगा। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग जो है मेरी क्लासेस, या देखिए सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हो ना UPSC को, कोई मजाक तो अपन कर नहीं रहे, तो जब सिंसियरली अपन प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर सी सेट को भी सिंसियरली ही ध्यान देना है। एंड मोमेंट पे 10 दिन पहले किताब खोल के नहीं बैठना है और देखना नहीं है कि यार अब देख लेते हैं सी सेट, ऐसा नहीं करना। आपको अपने आज से ही, इस वीक से, आज वेनसडे है तो वेनसडे से ही डिसाइड कर लो कि यार मुझे क्या क्या सी सेट में पढ़ना है। अब वो वीक और स्ट्रांग कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, यू हैव टू मेक इट स्ट्रांग। आपके लिए पहले पॉलिटी नहीं पढ़ा होगा ना, तो पहले पॉलिटी वीक लगती होगी, मगर अब पॉलिटी पढ़ रहे हो तो ईजी लगती है ना। तो इन द सेम वे उस चीज में भी आप लोगों को जो है वो चीजों को अप्लाई करना रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कौन सा सोर्स नहीं है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का,
देखिए, पहला तो बिल्कुल सोर्स है यूनियन गवर्नमेंट के जो ग्रांट होते हैं सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे, फाइनेंस कमीशन जो कि आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। तो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का कोई भी रिकमेंडेशन है उसमें जो ग्रांट मिलता है वो यहां पर आता है। सेकेंड वन, डिवोल्यूशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो ये भी जो है एक सोर्स ऑफ इनकम है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए। देन इंटरनल रिसोर्स जनरेशन जिसमें टैक्सेशन और नेट नॉन टैक्सेशन प्रोविजंस आते हैं, तो दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ व्हाट, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब इसमें थर्ड स्टेटमेंट की बात करेंगे तो रेवेन्यू अर्न बाय सेलिंग मेजर मिनरल्स विच आर डायरेक्टली ओन्ड बाय ग्राम सभा, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा। तो ग्राम सभा से जो डायरेक्टली अर्न होते हैं वो मेजर मिनरल्स यहां पर नहीं आएंगे, यहां पर कौन सा होगा वो होगा माइनर मिनरल्स। ठीक है, सो ग्राम सभा ओन्स माइनर मिनरल्स एंड रेवेन्यू जनरेशन फ्रॉम देम ऑल्सो ओन्ड बाय देम, बट इट इज नॉट करेक्ट अबाउट द मेजर मिनरल। तो ग्राम सभा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना उनका कोई भी लेना देना नहीं होता है मेजर मिनरल से, इन सभी का लेना देना होता है माइनर मिनरल के अंदर। ठीक है, तो माइनर मिनरल का जो है इनसे लेना देना होता है, मेजर मिनरल का इनसे कोई भी लेना देना नहीं होता। बाकी सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है पंचायती राज का वो भी देख लो, तो जैसे कि कोई स्टेट गवर्नमेंट लोन देती है, ग्रांट देती है, ग्रांट का मतलब होता है मदद जिसके बदले में ब्याज नहीं देना होता, तो अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट मदद देती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को तो वो एक इनका इनकम हो गया। देन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो चलती हैं, जैसे मान के चलिए मनरेगा स्कीम है या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है या फिर वी कैन से उज्ज्वला स्कीम है, पोषण अभियान है, लक्ष्य योजना है, तो इन सब योजनाओं से जो फंड आता है वो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस तक जाएगा। आशा वर्कर के लिए जो भी हेल्प लगती है वो भी यहां से जाता है। सो मेजर पोर्शन जो है पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में डील करते हैं। इसमें यूनियन गवर्नमेंट के ग्रांट आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के ग्रांट आते हैं, लोन और ग्रांट जो स्टेट गवर्नमेंट देता है वो, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वाली चीज़ें आती हैं, इंटरनल रिसोर्स जनरेशन यानी कि जो पंचायती राज खुद अपने टैक्स वसूलती है वो सब भी जो है उनका सोर्स ऑफ इनकम बन जाते हैं। माइनर मिनरल भी उनका सोर्स ऑफ इनकम होगा बट मेजर मिनरल जो है वो उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है। सीसेट जो है वो मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, सो आई एम आउट। ये जोक सुना होगा, शार्क टैंक देखा होगा तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। और सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। Which among the following is not a feature of a election system in India? इनमें से कौन सा फीचर नहीं है इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया? याद रखिएगा, अब आपकी डेली क्लास रहेगी 11 से लेके लगभग 11:45 11:50 तक। ठीक है, हर दिन आपकी यहाँ पर YouTube पर क्लास रहेगा जिसमें हम ये लगभग 15 से 20 क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। वेरी गुड। इनमें से कौन सा फीचर नहीं है इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया? इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया कौन सा इसमें से फीचर नहीं है वो आपको बताना है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, ये तो बिल्कुल हमारा है कि 18 साल से ऊपर का जो भी बच्चा होगा वो हमारे यहाँ पर वोट दे सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं है, 99 साल, 110 साल का भी कोई आदमी होगा, भारत का नागरिक होगा तो वो वोट दे सकता है। फिर इससे पहले क्या था, 21 साल एज थी 61st अमेंडमेंट एक्ट में। कौन सा अमेंडमेंट? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर 18 साल इसकी एज कर दिया गया। तो दिस इज ए फीचर ऑफ इलेक्शन सिस्टम। सेकंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वीकर सोसाइटी यानी कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी यानी SC ST का जो हमारे यहाँ पर क्या है रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है चुनाव में, ये भी होता है। वन वोट वन वैल्यू, ये भी हमारे देश में जो है वो माना जाता है इलेक्शन सिस्टम का पार्ट। लिमिटेड पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, लिमिटेड पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन सिस्टम। ओके, लिमिटेड पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि पॉलिटिकल सिस्टम हमारे यहाँ पर जैसे कि टू पार्टी रूलिंग,
यूएसए में चलता है ना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो वो लिमिटेड पॉलिटिकल सिस्टम है, ओके। मगर इंडिया में ऐसा नहीं है। सपा, बसपा, एनसीपी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, मल्टी पार्टी हो सकता है। तो पॉलिटिकल कंपटीशन में हमारे यहाँ पर कोई भी बैरियर नहीं होता है। तो एनीवन कैन फॉर्म ए पार्टी और कंटेस्ट इलेक्शन, सो दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ अवर इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, बट इन यूएसए दिस इज ए पार्ट, ओके। इंडिया में ऐसा पार्ट नहीं है, यूएसए के अंदर जो है वो पार्ट होता है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए सभी लोग। चुनाव के रिजल्ट आने हैं कल, है ना, तो जब जब रिजल्ट आते हैं तो वो टॉपिक बन जाता है हमारे यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक। क्वेश्चन है अपना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि रिकॉर्ड करते हैं वोट इन प्लेस ऑफ बैलेट पेपर एंड बॉक्सेस। मतलब पहले के टाइम पे क्या होता था, बैलेट पेपर पे वोट देते थे हम लोग, है ना, और वो बैलेट पेपर को बंद करके एक बक्से में डालते थे और वो बक्से में से वोट काउंट होते थे। अभी ईवीएम आ गया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ ईवीएम ओवर द ट्रेडिशनल बैलेट बॉक्स सिस्टम। सो ओवर द ट्रेडिशनल बैलेट बॉक्स सिस्टम ईवीएम के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, दैट यू हैव टू आंसर। पहला ऑप्शन, इट एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ इनवैलिड वोट। इनवैलिड वोट की पॉसिबिलिटी यानी कि जो वोट खराब हो गए हैं उनकी पॉसिबिलिटी बैलेट सिस्टम में ज्यादा होती है, ईवीएम में कम होती है। सेकेंड वन, इट मेक्स द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग वोट मच फास्टर। ये तो बिल्कुल सही बात है कि इसमें काउंटिंग जल्दी हो जाता है। थर्ड वन, इट रिड्यूसेज द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग ऑलमोस्ट निल एज ओनली वन शीट ऑफ बैलेट पेपर इज रिक्वायर फॉर ईच पोलिंग स्टेशन। मतलब एक शीट ही लगती है पूरे और उसमें क्या है, बिल जैसा जो है वो निकल आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट यू हैव टू आंसर। तो आंसर इसमें देखो, सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू, फर्स्ट थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग कंपेयर टू दैट वो इसमें होता है, पेड़ कम कटेंगे तो इससे एनवायरमेंट को भी फायदा है। अच्छा याद रखिएगा, ईवीएम होने से और इसका रिप्लेस करने से बैलेट सिस्टम को एनवायरमेंट में भी फायदा होगा। अगर आपसे यूपीएससी पूछ लेगा ना एनवायरमेंट पे कैसे फायदा होगा, एनवायरमेंट पे ऐसे फायदा होगा क्योंकि पेपर कम प्रिंट होंगे और पेपर कम प्रिंट होंगे तो पेड़ जो है वो कम कटेंगे, है ना। फर्स्ट ऑप्शन इज इट एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ इनवैलिड वोट, तो इनवैलिड वोट जो है उसकी पॉसिबिलिटी को जो है ये कम करता है। तो ये सभी स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाते हैं, ओके। सो ईवीएम एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है यूज टू रिकॉर्ड वोट इन प्लेस ऑफ बैलेट पेपर एंड बॉक्सेस जो कि कन्वेंशनल वोटिंग सिस्टम में यूज करते थे। अब इसके अलग अलग जो है फायदे हमने यहां पर देख लिए। ईवीएम आई थिंक फर्स्ट टाइम गोवा में यूज हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड आई एम नॉट श्योर ऑल्सो, गोवा या केरला, आई नो आई फॉरगेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज अबाउट एडजर्नमेंट मोशन। ट्राई टू आंसर दिस। वेरी गुड रोशन, ओके, गोवा। अब देखो वो मैंने कब पढ़ा होगा, बट स्टिल अगर वो सही है तो ये छोटी छोटी सी, आई थिंक केरला, वही केरला और गोवा में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। गोवा ही था क्योंकि छोटा स्टेट था तो उन्होंने वहाँ पे ट्रायल किया था और फिर उस हिसाब से वो लोग जो है उसको इम्प्लीमेंट किए थे।
ओके ओके श्रुतस बनी सरकार, ठीक है। ट्राई टू आंसर दिस नाउ अबाउट द एडजर्नमेंट मोशन। तो देखो पहले इसको छोड़ो, पहले याद रखो एक होता है क्या, वी कैन से कॉलिंग अटेंशन मोशन, ओके, फिर प्रिवलेज मोशन, ओके, फिर एक होता है प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन, एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट साइन डाई, ये सब होता है सेशन को बुलाना, खत्म करना, स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम होता है। कॉलिंग अटेंशन मोशन अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, प्रिविलेज मोशन यानी कि किसी के खिलाफ अगर कोई गलत बात कर दी है तो प्रिविलेज मोशन पास होगा। एंड व्हाट इज दिस एडजर्नमेंट मोशन दैट यू हैव टू आंसर। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस ऑन ए पर्टिकुलर मैटर, यानी कि ये जो है किसी भी हाउस में हम पेश कर सकते हैं टू ड्रॉ द हाउस ऑफ ए पर्टिकुलर मैटर, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर मैटर पे हाउस को आगाह करने के लिए, राज्यसभा लोकसभा हम इसको कहीं पर भी पेश कर सकते हैं, पहले ऑप्शन में ये लिखा हुआ है। दूसरे में लिखा है इट नीड्स द सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर, यानी कि कम से कम 50 मेंबर लगते हैं एडजर्नमेंट मोशन को लाने के लिए। थर्ड वन इज मैटर जो भी रिलेटेड होते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से उसको हम यहां पर वी कैन से पेश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट दैट यू हैव टू आंसर। देखो डी तो मुश्किल होगा, डी तो नहीं होगा। वेरी गुड वानी, एडजर्नमेंट मोशन एक बार ट्राई करो। ट्राई करो एक बार इसको। डी नहीं होगा श्रुतस्वनी, दिव्या सी भी नहीं होगा। देखो ऐसे दिमाग लगाओ ना इसमें कि पहले में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट को अटेंशन में लेकर आना किसी भी पर्टिकुलर, ओके, पार्लियामेंट को अटेंशन पे लेकर आना पर्टिकुलर मैटर पे रिलेटेड, तो ये हो गया। थर्ड वन में लिखा हुआ है मैटर रिलेटेड टू ए पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कैन बी रेज्ड अंडर इट, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को अगर हम इसमें लेकर आएंगे तो वो पर्टिकुलर मैटर थोड़ी ना कहलाएगा, इसी में ही आंसर छुपा हुआ है। देखो ये तो गलत हो गया, गलत क्यों हुआ, क्योंकि पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस जो हैं वो एक आम आदमी के लिए उससे कोई लेना देना नहीं है। एडजर्नमेंट मोशन में अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं किसी भी पब्लिक मैटर को लेकर, मान के चलिए कोरोना, ओके, तो कोरोना में यहाँ पे कोरोना की बातें एडजर्नमेंट मोशन के थ्रू हम डिस्कस कर सकते हैं। इंडिया चाइना का युद्ध हो गया, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो गया, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन तो हटाओ, थर्ड हटाया तो दो ऑप्शन आपके चले गए। अब दोनों में से जो है वो सही क्या है, तो एडजर्नमेंट मोशन केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में एडजर्नमेंट मोशन पेश नहीं होता। पर्टिकुलर मैटर ये यहां पे क्वेश्चन में ये सही है, बट आइदर हाउस नहीं होगा, इट इज ओनली इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, ओके, तो ये भी कट गया। तो आंसर अब बचता है वो है 50 मेंबर कम से कम जरूरत होती है एडजर्नमेंट मोशन को लाने के लिए। कहानी समझ में आया सभी के लिए, वो केरला में यूज हुआ था वो अलग हो गया, वो ओवरऑल कहां यूज हुआ था वो चीज है। एडजर्नमेंट मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ ए हाउस ऑफ ए अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, इट इज रिगार्डेड एज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस, दिस डिस्कशन ऑन एडजर्नमेंट मोशन शुड बी ऑफ एटलीस्ट 2.5 घंटे का होगा। इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है जो इन्वॉल्व करते हैं एलिमेंट ऑफ ए सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, हैंस ओनली इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा एंड नॉट राज्यसभा। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहां से आते हैं, राज्यसभा से, लोकसभा से आते हैं। एज इट इंटरप्ट द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस, इसलिए 50 मेंबर का कम से कम अप्रूवल इसमें लगता है, और इसमें इट शुड नॉट कवर मोर देन वन मैटर, पर्टिकुलर एक मैटर इसमें होगा, डेफिनेट फैक्चुअल अर्जेंट और पब्लिक इंपॉर्टेंस उस मैटर में होना चाहिए। क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेजेस पे हम कोई डिस्कशन यहां पर नहीं करते हैं। इट शुड नॉट डील विद द एडजुडिकेशन ऑफ ए कोर्ट, यानी कि कोर्ट की जो
चीज़ें हैं उससे रिलेटेड इसमें बातें नहीं होंगी. इट शुड नॉट रेज एनी क्वेश्चन दैट कैन बी रेज ऑन ए डिस्टिंक्ट मोशन. तो डिस्टिंक्ट मोशन पे कोई चीज़ अगर हो चुकी है डिस्कस तो वो हम यहाँ पर उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे. ठीक है, एडजर्नल मोशन क्लियर हो गया, अब गलत नहीं करना. ठीक है, चलो क्वेश्चन आता है अपना डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के ऊपर. नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, थैंक यू सो मच. विथ रेफरेंस टू डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग. ठीक है, कौन सा गलत है वो बताना है. सी, यू विल हैव स्पेशल क्लास ऑन 12 PM. जस्ट डाउनलोड द ऐप. स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है. जब आपसे वो लॉग इन करेंगे तो आप टीजे लाइव कोड अप्लाई करके वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, एनी नंबर ऑफ क्लासेस यू कैन वॉच, एनी नंबर ऑफ टाइम यू कैन वॉच, देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन. स्पेशल क्लासेस देने का मकसद अनअकैडमी का ये है कि आप पहले जाएं और उन क्लासेस की क्वालिटी देखें, कंटेंट देखें कि आपको किस तरीके का कंटेंट अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करते हैं, देन यू कैन प्लान टू परचेज द कोर्स. सो विथ रेफरेंस टू डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो आपको यहां पर बताना है. Each state shall constitute a district planning committee at a district level. तो district level पे हर एक state क्या है, district planning committee को बनाएगा. 4/5 of the member of a district planning committee should be elected. The representation of the elected member in the committee should be in proportion to the ratio between the rural and urban population in the district. ये तो बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ ए चेयरपर्सन ऑफ सच कमेटी. तो देखो ये इजी आ गया. संविधान ने चुनाव के बारे में तो किसी के बारे में बात ही नहीं करी. उसमें से भी अगर हम छोटे लेवल पर बात करेंगे तो उसमें भी संविधान ने उस छोटे लेवल पर भी चुनाव के बारे में बात नहीं किया. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो डी गलत हो जाता है. डी क्या हो गया, गलत हो गया. मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ ए चेयरपर्सन ऑफ सच कमेटी वो उनमें से ही डिसाइड कर लेते हैं. ठीक है, सो रिप्रेजेंटेशन शुड बी इन प्रपोर्शन टू द रेशियो बिटवीन रूरल अर्बन. स्टेट लेजिस्लेचर मेक प्रोविजन. कंपोजिशन ऑफ ए कमिटी स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा. मैनर ऑफ ए इलेक्शन ऑफ ए मेंबर ऑफ सच कमिटी इन रिलेशन टू ए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग वो भी स्टेट कमीशन बताएगा. फंक्शन ऑफ सच कमिटी इन रिलेशन टू डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ये भी जो है स्टेट बताता है. तो आंसर क्या रहेगा इसमें, सी डी विल बी द राइट आंसर हियर. ओके, चलिए लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है ये, देन वी विल वाइंड अप द क्लास. ट्राई टू आंसर दिस. Try to answer this. Which of the following will not be a cause for disqualification due to defection under the 10th schedule of the Indian Constitution? अब देखो anti-defection law के ऊपर क्वेश्चन है. anti-defection law 10th schedule में आता है. 52nd Constitutional Amendment Act 1985 में हमने इसको लेकर आए थे और इसमें split, merger और we can say individual, independent member, नॉमिनेटेड मेंबर, इन सब के बारे में डिस्कशन है कि कोई भी अगर दल बदल करता है तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा. एंटी डिफेक्शन लॉ को लागू करने के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो चेक करता है ना. If a member voluntarily gives up the membership of a political party on whose ticket he is elected to the house, तो क्या ये cause of disqualification बनेगा?
इफ ए मेंबर वोट्स इन द हाउस अगेंस्ट द व्हिप ऑफ ए पार्टी एंड सच वोटिंग हैज नॉट बीन कंडोन्ड बाय द पार्टी विद इन 15 डेज, इफ ए इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी, इफ ए नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी विद इन द 6 month ऑफ बिकमिंग मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर. यस, वेरी गुड. ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा. जी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विच ऑल बी रिक्वायर हियर, है ना. विल नॉट बी ए कॉज फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू डिफेक्शन अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इफ ए नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन ए पोलिटिकल पार्टी विद इन 6 month ऑफ बिकमिंग द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर. देखो, विद इन 6 month अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, देन वो इसके अंदर वी कैन से एंटी डिफेक्शन लॉ में नहीं आता. आफ्टर 6 month अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, देन वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आता है. यस, वेरी गुड. ठीक है. सो 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग ए मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन. ए मेंबर इनकर्स डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द डिफेक्शन लॉ इफ ही वॉलंटरली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी जिसपे वो टिकट लड़ा होगा. अगर वो वोटिंग करने से मना कर देते हैं एंड एक्ट हैज नॉट बीन कंडोन्ड बाय विद इन ए 15 डेज, इफ एनी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, तो ये सब डिफेक्शन के कारण है. मगर 6 महीने के अंदर कोई नॉमिनेटेड मेंबर अगर ज्वाइन करता है, तो वो डिफेक्शन का कारण नहीं बनता है. ठीक है. सो ऑन दिस नोट वी विल गोइंग टू वाइंड अप द क्लास टुडे. आई होप आप सभी को ये जो क्लासेस हैं वो समझ में आए होंगे. टेक 15 मिनट्स ब्रेक, देन वी विल मीट 12 PM ऑन स्पेशल क्लास. ठीक है, अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में आप मिलेंगे. तारकेश्वर जैन PSIR, इसमें मैंने लिंक भी आपको शेयर किया हुआ है, तो आप इस लिंक से अगर डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो वो तारकेश्वर जैन PSIR टेलीग्राम चैनल से आप लिंक कलेक्ट करके ये स्पेशल क्लासेस में जुड़ सकते हैं. दिस क्लास इज अबाउट MCQ ऑन इकोनॉमी. TJ Live कोड अप्लाई करिए, आप इन क्लासेस को देख सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस. गुड बाय.